नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति शर्मा, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा बाबा राम रहीम जी के बारे में, डेरा सच्चा सौदा के बारे में। आज हम लोगों से चर्चा कर रहे हैं इसी टॉपिक पर। समाज में अब बाबा राम रहीम जी नहीं है तो समाज में जो बुराइयां वो छुड़ा रहे थे, क्या उनमें रोक लगी है, क्या फर्क आया है समाज में जब से वो नहीं है। हाँ जी मैम, आपका नाम क्या है? जसविंदर कौर। जसविंदर कौर जी, अब देखा होगा कि बाबा राम रहीम जी समाज में नहीं है, आपको क्या लगता है कुछ फर्क आया है समाज में? हाँ जी बहुत फर्क आया जी। हाँ जी बहुत जरूरत सी। उस तो बाद पिता जी सीगे तो नशे छुड़ाउंदे सी, बेटियां दी शादी करदे सी। क्या इनका कहना है कि बाबा राम रहीम जी जब थे तो नशा छुड़वाते थे, वो गरीब बेटियों की शादी करवाते थे, बेटियों के लिए बहुत कुछ किया है बाबा राम रहीम जी ने, समाज में ये इस चीज की कमी अब है समाज में? मीडिया वाले तो झूठ ही बोल दिया। आपकी बेटियां तिन्ने उथे पढ़िया, होस्टल च भी रही, सानू तो पूरा विश्वास आ पिता जी दी, हुण भी विश्वास आ पिता जी आउणगे, जावांगे डेरे, हुण भी पक्का विश्वास आ भी सानू तो कोई नहीं। मीडिया वाले तो बहुत गलत लफ्ज भी बोल रहे सीगे। इनका कहना है कि इनकी तीन बेटियां हैं, तीनों बेटियां बाबा राम रहीम जी के स्कूल में पढ़ी हैं और वो बिल्कुल सेफ हैं। देखिए ये वो माँ बाप हैं जिनकी बेटियां बाबा राम रहीम जी के स्कूल में पढ़ी हैं। आपने बहुत कुछ देखा होगा बाबा राम रहीम जी के बारे में जो मीडिया ने दिखाया, खबरें बना बना करके दिखाया। आज हम उन बेटियों के माँ बाप के पास हैं जिनकी बेटियां पढ़ती थी बाबा राम रहीम जी के स्कूल में, वह वहाँ जाती थी। आपको क्या लगता है कि आपकी बेटियां वहाँ पढ़ती थी, क्या वो सुरक्षित थी वहाँ पे? हाँ जी हाँ जी। इनका कहना है बिल्कुल सुरक्षित थी इनकी बेटियां। और आप लोग सोचिए मीडिया ने क्या दिखाया और जो माँ बाप जिनकी बेटियां वहां पढ़ती थी वो क्या बोल रहे हैं। उनका कहना है कि बेटियां सुरक्षित थी। और आप लोगों का आज कितना विश्वास है बाबा राम रहीम जी पर? बहुत विश्वास है जी, हुण भी बहुत विश्वास है। क्या आज भी जाओगे आप डेरे में? हाँ जी हाँ जी, हुण भी जाने हैं, जावांगे भी। और आप दुनिया को क्या बोलना चाहोगे कि बाबा राम रहीम जी कैसे हैं, वे डेरा सच्चा सौदा क्या है? डेरा सच्चा सौदा बहुत अच्छा है, पिताजी भी बहुत अच्छे हैं, आउणगे जावांगे डेरे, हुण भी जा रहे हैं। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बता रहे हैं कि हम डेरा सच्चा सौदा में जाते थे, जाते हैं और जाते ही रहेंगे और हमारी बेटियां वहाँ सेफ थी। और आज भी ये लोग उसी आस्था उसी भावना से बाबा राम रहीम जी के साथ जुड़े हैं जैसे पहले जुड़े थे। सवाल आपके लिए कि जो लोग पहले जाते थे आज भी जा रहे हैं, उसी आस्था से जा रहे हैं, उसी भावना से जा रहे हैं, चाहे मीडिया ने कुछ भी दिखाया हो, कुछ भी दुनिया को परोसा हो, लेकिन इनके ऊपर रेश मात्र भी असर नहीं हुआ, ऐसा क्यों? ये सवाल आपके लिए और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में डालिए। और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए द फैक्ट टाइम के साथ। देखते रहिए लोगों की सच्ची बात और सच का साथ देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपके क्या विचार हैं इस वीडियो के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में डालते रहिएगा। देखते रहिए, थैंक यू।